नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुंभ राशि 4 मार्च 2020, क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। और सबसे पहले जानेंगे आज का संक्षिप्त सुबह का पांचांग और फिर जानेंगे आज के कुछ शानदार टोटके और फिर उसके बाद जानेंगे राशिफल और कुछ अन्य उपाय जो दिन को बेहतर बनाएंगे। और यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:45 सुबह, सूर्यास्त होगा 6:18 शाम को। वार है बुधवार। चंद्र राशि मिथुन, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं। राहुकाल 12:33 PM से 1:10 PM तक और तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष नवमी, नक्षत्र मृगशिरा और योग प्रीति। तो ये थी संक्षिप्त पांचांग की जानकारी। जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राहु काल में थोड़ी सावधानी और अभिजीत मुहूर्त आज कोई है नहीं, तो पूरा दिन भर थोड़ा सावधान रह के काम करिएगा। तो अब बात करते हैं उन दर्शकों की जो नए दर्शक हैं उनका स्वागत और अभिनंदन, जो पुराने दर्शक हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आपका दिन शुभ बीते, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अब बात करते हैं आज के टोटके की। तो आज का टोटका है शीघ्र विवाह के लिए क्या किया जाए। उम्र हो गई, सब कुछ बढ़िया है, शादी नहीं हो रही है, तो हम कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, कई बार हमें छोटे छोटे उपाय भी कर लेने चाहिए, इससे भी हमें लाभ मिलता है। तो कुछ छोटे छोटे से दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक करते हैं तो आपके चांस और बेहतर हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष की जड़ में 43 डेज तक, जिस दिन से भी शुरू करें उस दिन से 43 डेज तक लड़का या लड़की जल चढ़ाए। किसी घर के आसपास का पीपल का पेड़ हो, मंदिर में हो, तो वहाँ पर 43 डेज तक उसकी जड़ है उस पर जल चढ़ाए और प्रार्थना करें शीघ्र विवाह की। लड़का हो या लड़की हो, बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी इन 43 डेज में भी या फिर इसके तुरंत बाद। रविवार को महिला हो या पुरुष हो, जल नहीं चढ़ाना है। मासिक धर्म में महिलाओं को जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा टोटका, जब भी विवाह की बात चल रही हो तो वस्त्र जो आप लोग पहनते हैं वो नए हो तो बेहतर हो। आप या तो सारे वस्त्र नए पहने या कम से कम एक या दो वस्त्र जरूर नए पहने, यानी कुछ ना कुछ शरीर पर नया धारण जरूर किया हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से जब आप लोग दो परिवार या लड़का लड़की एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं तो जो चांस हैं वो थोड़े ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और मजबूती के साथ आपका रिश्ता बनने का एक मौका बन जाता है और सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये दो प्रयोग हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ना पैसा लगना है ना बहुत ज़्यादा वक्त लगना है, आप इनको करके लाभ उठा सकते हैं या उठा सकती हैं। तो जल्दी विवाह कराने के लिए कुछ टोटके थे। अन्य जो उपाय आप लोग कर रहे हैं या कर रही हैं उसके साथ इसको भी शुरू करें तो मुझे उम्मीद है अगले 43 दिनों में आपका विवाह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर तय हो जाएगा या संपन्न हो जाएगा। बात करते हैं राशिफल की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में होंगे, राहु के साथ पंचम भाव में, तो दिन थोड़ा सा संभल कर बिताने वाला होगा क्योंकि राहु चंद्र का ग्रहण दोष होगा, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि जब भी राहु और चंद्र का ग्रहण दोष होता है तो परेशानियों भरा समय होता है। आपका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रह सकता है, घर पर या घर के बाहर छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है ऑफिस में या किसी से राह चलते, मतलब बात का पतंगड़ आप बना सकते हैं आज के दिनों में। झगड़े हो सकते हैं, मानसिक चिंता परेशानी बढ़ सकती है, आपकी जुबान थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, व्यर्थ की बातों में परेशान होकर आप अपने पैसों का और समय का बर्बादी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आज आप काम कम करेंगे, काल्पनिक ज़्यादा होंगे, यानी ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएंगे, सपने ज़्यादा देखेंगे या बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन उन बातों पर शायद अमल ना करें, या आपको पता होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है तो आप लोगों को भाषण देंगे, ज्ञान देंगे कि अच्छा ये होता है बुरा ये होता है,
लेकिन खुद वो करें जो बुरा ही बुरा हो, यानी कि आज आप ज्ञान देने वाले होंगे लेकिन उस ज्ञान को स्वयं शायद अपनाए ना। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं या जा रही हैं, या तो उसकी पहले पूरी जानकारी ले लें या फिर पूरा समझ लें तभी शुरू करें, या हाँ करें। किसी को आधी अधूरी जानकारी के साथ काम को शुरू करना या किसी को हाँ कहना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अगर आपकी संतान है तो आपको संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता परेशानी या उसे नोक झोंक या किसी भी प्रकार का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो रिश्ते तनावपूर्ण बीत सकते हैं आज के दिन में। तनाव कोई ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन तनाव छोटा मोटा होगा जो एक शुरुआत होगी, तो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें कोई भी झगड़ा होता है तो। व्यापारी वर्ग को आज यात्रा हो सकती है और यात्रा फलदायक होगी, लेकिन सावधानी से यात्रा करनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा अच्छी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम आज के दिन। जो भी लोग खेल कूद से जुड़े हैं उनको आज बढ़िया परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन रुक रुक कर मिलेगा। आज आप अपनी कही बातों से ही खुद फंस सकते हैं, यानी अपनी ही बातों पर उलझ सकते हैं या फंस सकते हैं। तो बोलने से पहले विचार कर लें क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए था। तो यानी आज आपकी जो बोली गई बातें हैं वही आपको फंसा सकती हैं, तो अपने लिए आप जाल खुद ही बुन सकते हैं या सकती हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनका गर्भ 3-4 महीने का है वो विशेष सावधानी रखें। अपने दिमाग को भ्रमित ना होने दें, शक में ना डालें और गलत निर्णय लेकर पैसों का या वक्त का या किसी भी प्रकार के रिश्ते का नुकसान ना करें। आज आप गलत रास्ते पर ना चले, जीवन साथी का सम्मान करें, अपने पेट का ध्यान रखें, तला बुला भोजन ना खाएं। जो भी लोग मानसिक रूप से पहले से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। महिलाओं से सम्मान से इज्जत से बात करें तो बढ़िया रहेगा। शरीर में आलस चिड़चिड़ापन इत्यादि हो सकता है, तो योग प्राणायाम करें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। परिवार में तनाव ना हो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विवाहित हैं तो सास बहू के झगड़े ना हो इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आज हर पहलू पे नजर बना के रखनी होगी ताकि कोई झगड़ा या विवाद बड़ा रूप ना ले ले। अब बात करते हैं उपाय की। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको वही हनुमान जी की आराधना करनी लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष में सुबह के टाइम मंदिर जाते हैं तो आप जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी जी को कुछ सफेद सुगंधित फूलों का हार या फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सुगंधित धूप दीप बत्ती से घर में पूजा पाठ करें, बढ़िया रहेगा। घर में खुशबू का वातावरण बना रहे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और शिव आराधना करें और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें ताकि बुद्धि भ्रमित ना होने पाए। अब मैं अपने प्रिय दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अनेक देशों में या कुछ देशों में कैरोना वायरस जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है, और कुछ जो इसके संदिग्ध हैं वो भारत में भी पाए गए हैं, हमारे देश में भी पाए गए हैं। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके द्वारा जो आपको नियम बताए जा रहे हैं इससे बचने के, उन नियमों का पालन करें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। अपने हाथ वगैरह जो है वक्त वक्त पर दिन में कम से कम 4 से 5 बार जरूर धोएं। खांसते हैं तो कोई मास्क लगाए कर रखें, या किसी को भी बुखार वगैरह होता है या कोई भी अनइजीनेस होती है तो डॉक्टर खुद ना बने, अपने नज़दीक के अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करके उसका सही इलाज कराएं। और इसके साथ साथ अफवाहों पे ध्यान ना दें और अफवाहों को फैलाएं भी ना, और अपने घर में भी साफ सफाई रखें, अपने ऑफिस में भी साफ सफाई रखें, और जितना हो सके नीट एंड क्लीन रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, दिमाग को स्वस्थ रखेंगे, अच्छा सोच विचार से आगे बढ़ेंगे, उतना आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, देश का ख्याल रख पाएंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पर भी है, क्योंकि अब कोई मुसीबत आई है तो उसको लड़ने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो आप लोग ख्याल रखिए, ग्रह सितारे आपकी रक्षा करें, ईश्वर आपकी रक्षा करें, और आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन मंगलकारी हो, मेरी शुभकामनाएं।
हरिओम, नमस्कार।